किस तरह से सामने वाले की नाराजगी को दूर करें। अगर आपके जीवन साथी से मनमुटाव हो गया हो, प्रेमी प्रेमिका में अनबन हो गई हो, भाई बहन का आपस में मनमुटाव हो गया हो, आपका बेटा या बेटी आपसे नाराज होकर दूर चले गए हो, तो आपका बॉस आपसे नाराज हो और आपकी तरफ ध्यान न दे रहा हो, दोस्तों रिश्तेदारों से मनमुटाव हो गया हो, ऐसी अवस्था में आपको अचूक वो प्रभावकारी उपाय मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले किसी भी अमावस्या के दिन 3 सूखे पीपल के पत्ते तोड़ लें, याद रखें जमीन से न उठाएं। आप जिससे प्यार करते हैं या जिस व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं उसका नाम 3 पीपल के पत्तों पर लिख दें, एक पत्ते पर काजल से, और वहीं उस पेड़ के पास उल्टा करके रख दें, तो उस पर पत्थर रख दें और अपने साथी के आने की कामना करें। दूसरे पत्ते पर और तीसरे पत्ते पर लाल सिंदूर से लिखें और उसे लाकर अपने घर की छत पर उल्टा करके रख दें और उस पर पत्थर रख दें, या घर की बालकनी में उल्टा रख कर उस पर छोटा पत्थर रख दें और अपनी मनोकामना अपने मन में करें। ये आपको आने वाली पूर्णिमा तक करना है, यानी 16 दिन प्रतिदिन पीपल के पेड़ में अपने साथी को वापस लाने की प्रार्थना करते रहनी है। कुछ दिन बाद आपको जिसका आपने नाम लिखा है वो व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा और आपकी तरफ पुनः आकर्षित होने लगेगा। ऐसा होने पर उन 3 पत्तों को किसी स्थान पर आप गाड़ दें। ये एक अचूक उपाय है। ये उपाय करने से 100% सफलता मिलती है। एक छोटा उपाय पति पत्नी के लिए भी है। अगर पति या प्रेमिका, पत्नी या प्रेमिका के प्रति प्यार कम हो गया है तो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए 5 इलायची अपने बदन से स्पर्श करती हुई शुक्रवार के दिन छुपा कर रखें। अगर आप साड़ी पहनती हैं तो अपने पल्लू में बांध कर उसे रखा जा सकता है। अन्य लिबास पहनती हैं तो रुमाल में बांध कर रखा जा सकता है। शनिवार की सुबह ये इलायची पीस कर किसी भी व्यंजन में मिलाकर पति या प्रेमी को खिला दें। मात्र 3 शनिवार करने से आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेगा। आशा है आप इस उपाय को आजमा कर अपने खोए हुए रिश्ते को फिर से जोड़ेंगे। धन्यवाद।